बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले की, जहां साल 2014 में पहली बार बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी के बाद सालों तक सक्रिय रही पुलिस और लगातार शराब की अवैध फैक्ट्रियों के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से तस्करी कर लाई गई अवैध शराब का जखीरा नदियों, तालाबों, स्कूलों, भट्टों के साथ ही जमीन के भीतर दफन कर रखी गई अवैध शराब बरामद की गई, तो कभी गौशालाओं से करोड़ों की तस्करी कर गैर राज्यों से लाई गई अवैध शराब और शराब की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते अरबों रुपयों की संपत्ति शराब माफिया ने खड़ी कर डाली। जहरीली शराब से जिले में लगभग 2 दर्जन मौत हुई, तो सूबे के विभिन्न हिस्सों में भी मौतों का सिलसिला चल पड़ा। जांच में ये बात सामने आई कि जिले के शराब माफियाओं द्वारा सप्लाई की गई शराब को पीने से अलग अलग जिलों में मौतें हुई थीं। पुलिस की सख्ती बढ़ने के बावजूद आकाओं को संरक्षण मिलता रहा, जिसके चलते जिले के शराब माफिया गैर जनपदों में फोकस करने लगे और तस्करी के साथ ही अवैध फैक्ट्रियों का जाल बिछा डाला। इन्हीं शराब माफियाओं में एक बड़ा नाम है राजू सिंह किठावर। हालांकि इसका पूरा नाम भीमसेन सिंह है और इसी नाम के सहारे राजनीति के क्षेत्र में भी इसने एक कदम रखा और पहले ही प्रयास में जिला पंचायत का सदस्य बन बैठा। आज अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अमेठी एसडीएम प्रीति तिवारी और सीओ लल्लन सिंह भारी पुलिस बल के साथ प्रतापगढ़ के अंतु इलाके के किठावर के आसपास संचालित राजू सिंह के 2 भट्टों पर पहुंचे और वहां के भट्टों को सील कर दिया गया। इस बाबत सीओ का दावा है कि राजू सिंह उर्फ भीमसेन ने अवैध शराब की काली कमाई से अर्जित धन से इन दोनों भट्टों को खड़ा किया था, जिसकी अब तक कुल 4 करोड़ की संपत्ति को जिलाधिकारी अमेठी के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है। राजू किठावर उर्फ भीम सिंह द्वारा पूर्व में शराब की बिक्री में तत्समय होने के कारण जो धन इन्होंने अर्जित किया है, उससे जो भट्टे संचालित किए जा रहे थे, उनके खिलाफ 14(1) की गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत एक पश्चिम गांव का 78 लाख का है और दूसरा ये है पचखेड़ा का, जो दोनों भट्टे आज सीज किए गए हैं। पू के द्वारा हम लोगों के द्वारा 1,54,00,000 रुपये की और कुछ इसके पहले 1,32,00,000 रुपये की सीज गई है। लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अवैध धन से संचालित की जा रही थी, उस पे सीज की कार्रवाई की गई है। बता दें कि इससे पहले भी प्रतापगढ़ प्रशासन कई संपत्तियां कुर्क कर चुका है। शराब माफिया राजू किठावर उर्फ भीमसेन सिंह के खिलाफ अमेठी पुलिस प्रशासन ने आज की बड़ी कार्रवाई अवैध शराब से अर्जित की गई संपत्ति को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सीज कर लिया गया। बता दें कि 1,54,00,000 रुपए की कीमत के 2 ईंट भट्टों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एसडीएम प्रीति तिवारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमेठी लल्लन सिंह ने सीज कर दिया है। इस प्रकार अमेठी प्रशासन के द्वारा अब तक 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। प्रतापगढ़ से मनोज पांडे की रिपोर्ट।